हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10. तो मैंने बना लिया, अब देखो चाय तो पीऊँगी, कुछ तो खाऊंगी. तो मैंने उससे पहले बना लिया ग्रीन जूस, इसको आप डिटॉक्स जूस भी कह सकते हो. उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लौकी, थोड़ा सा पालक और थोड़ा सा आंवला. हाँ, कम से कम क्लीन तो हो जाएगा ना, मतलब डिटॉक्सीफाई तो होगा ना बॉडी जो उल्टा सीधा खाया हुआ है. और फिर इसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट. ये बहुत टेस्टी तो नहीं लगता है, बट पहले पता है मैं देखती थी यार ये टेस्टी नहीं है, नहीं खाना. बट अब जो चीज़ें थोड़ी हेल्दी होती है ना, बेशक थोड़ी टेस्टी नहीं होती है, वो मैं उनको खा लेती हूँ, मतलब पी लेती हूँ, खा पी लेती हूँ जो भी होता है. बट ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है. हाँ चलो, अब देखते हैं नाश्ते में क्या करना है. थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लूँ, अभी बिल्कुल नहा के आई हूँ मैं, पूरा स्किन मेरा ड्राई हो रहा है. हाँ जी, तो ये हमारा बन गया है ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में पता है मैंने क्या बनाया, वेजिटेबल पराठा या फिर पैनकेक कुछ भी कह लो. इसमें वेजिटेबल्स बहुत सारे, मतलब हार्डली इसमें 2 स्पून मैंने आटा यूज़ किया, बाकी सारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स. जिस वजह से इसका ना शेप, देखो शेप बहुत ख़राब हो गया है, बिकॉज इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं. तो ये ऐसे बेलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और बिना चीनी वाली, शुगर फ्री वाली चाय, और हल्का सा बटर ग्रीस किया है मैंने इसके ऊपर. हाय गाइस, अभी बन रहे शाम के 6 और मैं ना सो गई थी दोपहर में. ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ अपनी एडिटिंग वगैरह की, उसके बाद मैं बिल्कुल सो गई. और फिर उठी हूँ मैं, अब बच्चे इतना शोर कर रहे थे यहाँ पे नीचे, बच्चे मतलब खेल रहे थे, इतना शोर कर रहे थे, मतलब मेरा इतना दिमाग, मतलब ना मैं सो रही थी ढंग से ना उठ पा रही थी. बट हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा नींद में मेरे को पता चल रहा था कि बाहर बहुत शोर हो रहा है. फिर मैं उठी हूँ, रजत आ गया ऑफिस से, तो मैंने सोचा चाय बना लूँ. तो पता है बहुत दिनों से ना मेरा मन कर रहा था घर पे बना के मोमो खाने के लिए, और मैंने मोमोज वाली चटनी तो बना के रखी हुई थी फ्रिज में. तो मैंने ना फटाफट से मोमोज बना लिए. तो दिखाती हूँ आपके आपको अपने मोमोज. तो मेरे पास स्टीमर वगैरह तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ. देखो बहुत सही लग रहे हैं, मेरे को पहले लगा पता नहीं कैसे बनेंगे, बट सही बने हैं. ऐसा नींद में सोया भी, मतलब नींद, पता है ऐसे नींद में सोई भी नहीं, जगी भी नहीं. ऐसा होता है ना कि मतलब ढंग से नहीं सोने के, पूरा ऐसे सर में कुछ पता नहीं, हेडक सा ऐसा हैवी हैवी सा लगने लगा है सर. इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा शोर. और नॉर्मली यहाँ पे बच्चे इतना शोर करते नहीं है, बट आज पता नहीं क्या हो गया था. बस 4-5 मिनट में मोमोज बन जाएंगे, चाय बना लिया मैंने, तो मोमोज खाऊंगी चाय के साथ, मतलब चटनी के साथ, फिर बाद में चाय. ये मेरा मोमोज रेडी है, देख रहे हो कितना यम्मी लग रहा है ना देख के. चलो रजत को देते हैं, रजत मीटिंग में थे लेकिन मैंने उनको दे दिया है. और अब ये रही मेरी प्लेट, और इधर चाय, मैं चाय गरम कर रही हूँ. मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं मोमोज, लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे. तो आप लोगों को खा के बताती हूँ कैसे हुए. टेस्टी तो अंदर से तो बहुत टेस्टी है. हाय गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा दूध लेके आने के लिए, बिकॉज दूध नहीं है और आज डिनर करने का प्लान नहीं है कुछ भी. मतलब हमने मोमोज खाया था ना तो बहुत हैवी हो गया था, तो फिर सोचा कि दूध और मूसली या फिर दूध पी लेते हैं, बट दूध था नहीं, तो फिर इसलिए मुझे दूध लेने जाना पड़ा. और चलते स्पेंसर. एक तो यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी छोटा स्टोर नहीं है कि, मतलब अगर आपको एक चीज़ भी चाहिए ना तो आपको स्पेंसर जाना पड़ेगा. चलो अब लेके आते हैं दूध, और कुछ मिलेगा तो कुछ और भी लेते आएंगे. हम लोग स्पेंसर के पास आ चुके हैं, बहुत पास है मेरे घर से ना, मतलब हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है. और पता है जब मैं घर, मतलब बाहर निकली ना सोसाइटी में, तो मुझे पहले लग रहा था ना कि मुझे शायद ठंडी लग रही है, बट बाहर मैंने देखा लोगों ने हुडी वगैरह पहन रखी थी, ऐसा शॉल वॉल ओढ़ रखा था, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है सर्दी मुझे ही नहीं लग रही है, एक्चुअली यहाँ पे है सर्दी. मतलब आज दिन में ना मैं ब्लैंकेट ओढ़ के फ़ैन ऑफ करके सोई थी, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी ठंडी थी आज, बिल्कुल ऐसी वाली ठंडी थी जैसे होती ना दिवाली के बाद वाली ठंडी, ऐसी ठंडी थी. और अभी बाहर ना ठंडी लग रही है. स्पेंसर बंद हो चुका है, आई थिंक ना 9:35 हो रहा है,
अब देखना पड़ेगा आगे कुछ थोड़ा दूर जाके कुछ मिलता है क्या दूध, पता नहीं। पास में बस एक स्पेंसर ही है, तो अगर ये बंद हो गया तो दूसरा ऑप्शन पता नहीं, आगे जाके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यार ये बहुत प्रॉब्लम है, बगल में तो वो जनरल स्टोर वाली शॉप तो होनी चाहिए ना थोड़ी पास में। सोसाइटी के अंदर भी दूध वगैरह तो नहीं मिलता, मतलब दूध ना हम लोगों का डेली मॉर्निंग में दे के जाता है वो सोसाइटी के अंदर ही घर में, बट अगर किसी ने आपको एक्स्ट्रा एक दो पैकेट चाहिए तो फिर कैसे करोगे मैनेज, ये दिक्कत है। अभी मतलब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे एक डोसा वाले भैया ना, ऐसे एक फूड ट्रक में दो डोसा मिलता था, वो भी बंद हो चुका है। पूरी शॉप्स ऐसा बंद हो गई हैं, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 9:45 हो रहा है, बट इतना जल्दी सारी चीज़ें ऐसे बंद हो गई हैं। अब पता नहीं अंदर गली में जाके ना एक स्टोर है, अब देखना पड़ेगा वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है दूध। मैं गई थी इतनी दूर, फिर मैं आई वॉक कर करके, थोड़ा थक गई, बट ये मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाना, और ज़्यादा लोग रोड पे भी नहीं थे, मतलब थोड़े कम ही लोग थे। पता नहीं शायद दशहरे की वजह से या फिर नॉर्मली इसी टाइम बंद हो जाता है, ये तो पता नहीं है मुझे। कभी इतने लेट तक हम लोग बाहर थे भी नहीं, तो इसलिए भी आइडिया नहीं है कि देखूं। बट फूड ट्रक्स वाले सारे सब लोग ना अपना ऐसा क्लोज करके जा रहे थे। एक तो फूड ट्रक्स ना डोसा वाला, डोसा का फूड ट्रक्स लगता है, वो तो मतलब था ही नहीं, पता नहीं वो पहले से चले गए थे या फिर आज आए ही नहीं थे, लगाया ही नहीं था उन्होंने, आई डोंट नो। और यहाँ पे तो आज ना अपना मतलब गाड़ियों की, वैसे भी हम बाई तरफ भी करते ही हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा पूजा वूजा करते हैं गाड़ियों की सारी चीज़ों की, तो मे बी इस वजह से फूड ट्रक्स भी शायद नहीं लगे होंगे, हो सकता है। बट शॉप्स इतनी जल्दी, सारी मार्केट मतलब ऐसा 70% मार्केट बंद थी, मतलब जो भी शोरूम्स वगैरह ना सब बंद हो गया था। मुझे लगता है कि स्पेंसर का तो देखो टाइम होता है, तो वो तो शायद 9:00 तक ही बंद हो जाता होगा शायद, या 9:30 तक। अब देखते हैं खाने का क्या करना है, कर्ड तो रखी हुई है, कर्ड में भी मुस्लिम मिला के खा सकते हैं। गर्मी हो गई, इतने ठंडी ठंडी कर रही थी मैं, फैन ऑन करना पड़ेगा। ये देख रहे हो ये फैन कैसे ऑन होता है, ये ऑफ हो गया, अब ये ऑन है। गाइस अब दूध तो मिला नहीं, बट मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी, क्योंकि आज का मेरा जो मील था ना बहुत ही कम था, लाइक डेली के कंपेयर में, तो उसको खाना पड़ेगा। तो हमारे पास कर्ड है, मछली है, तो बनाते हैं डिनर। चलो फटाफट से 5 शैलो बन जाएगा। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है सुबह के 10, और मैंने सोचा कि मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूँ, फिर मुझे याद आया कि कल वाला ब्लॉग तो मैंने एंड ही नहीं करा, कल रात में मैं थोड़ी चीज़ें कर रही थी, उसके बाद मैं सो गई स्किन केयर वगैरह करके, तो ये ब्लॉग पहले एंड करते हैं फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं गाइस, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुद का ध्यान रखें, खुद से प्यार रखें करें, और मुस्कुराते रहें,
और आप प्लीज़ मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करवाएं मत बोलें। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ भी चेंजेस करूं अपने व्लॉग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी चीज़ जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है या फिर अच्छी लगती है, तो आप उनको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।